हेलो एवरीवन, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अलग अलग मेथड्स आती है जिसकी फॉर्मूलास और उसके साथ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल को प्रॉपरली कर सको। तो हम लोगों ने ये सभी मेथड्स को सेपरेट सेशंस के अंदर उसकी फॉर्मूला और कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पर आज का ये जो सेशन है वो सारी की सारी मेथड्स, उसकी फॉर्मूलास और उसकी कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को एक साथ कवर करता हुआ सेशन है ताकि आप एग्जाम या तो टेस्ट के अंदर क्विक प्रिपरेशन बहुत ही कम टाइम देके कर सको। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेथड या तो उसकी फॉर्मूला में कंफ्यूजन है तो उसका डिटेल सेशन देखिए, अदरवाइज इस सेशन के अंदर आपकी सारी मेथड्स, उसकी फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाला है। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए और जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिपीट करके देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग रेशियो एनालिसिस की सारी मेथड्स के सभी फॉर्मूलास को क्विकली रिफर कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। और इस रेशियो की मेथड में जितनी भी चीजें कवर होगी उसके आंसर आएंगे परसेंटेज में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की हमारी जो पहली मेथड है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। याद रखना दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की जितनी भी मेथड्स होगी उसमें डिनोमिनेशन में यहां पे टोटल नेट सेल्स ही रहने वाला है। तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो अब अगर ये इंफॉर्मेशन दोनों हमें डायरेक्टली दे दी है तो एग्जाम्पल के अंदर हम सीधी इंफॉर्मेशन लिख के एग्जाम्पल कंप्लीट कर देंगे। पर कोई बार अगर ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना हो तो जीपी आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हो सकता है कि कोई एग्जांपल के अंदर आपको सीओजीएस भी डायरेक्टली ना दे पर दूसरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहां पे सीओजीएस हम लोग ढूंढ सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला जो कि है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। नेट परचेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पे ये जो नेट सेल्स की बात हो रही है तो ये टोटल नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और कोई एग्जांपल में यहां पे सीओजीएस के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्ट ना दिया हो पर उसकी जगह पे दिया हो चेंज इन स्टॉक, तो ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आई हुई अमाउंट। क्लियर। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो हमारी दूसरी मेथड है वो है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका भी आंसर आएगा परसेंटेज में। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अगेन ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो अब सीओजीएस कैसे मिल सकता है वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, नेट सेल्स भी देख लिया, यहां पे न्यू चीज है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें ये समझना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें कवर होती है और कौन सी चीजें कवर नहीं होती। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, employee benefit expense like salary, commission, etc. and any other amount written off. जबकि operating expense में कौन सी चीजें cover नहीं होती, तो operating income उसके अंदर cover नहीं होगी क्योंकि obviously ये operating income है जबकि हमें consider करने हैं operating expense। तो कोई भी operating income हो जैसे कि interest और dividend received, profit on sale of asset or investment, they are not included. Similarly, interest paid जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपेंस का ही टाइप है, तो आपको इंटरेस्ट पेड दिया हो या फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखा हो या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर। देन थर्ड मेथड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की मेन फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर एग्जांपल में ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट दे दिया है तो। पर अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दिया है
तो पहले हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट ढूंढेंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चीजें कवर होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने से हमको मिलेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अगर आपको एग्जांपल के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों पूछे तो आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढ लिया हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि सेकंड मेथड को अप्लाई करके हमने ढूंढ लिया होगा। क्लियर। एंड नाउ प्रॉफिटेबिलिटी की फोर्थ एंड लास्ट मेथड, जो कि है नेट प्रॉफिट रेशियो, और इसका भी आंसर आएगा परसेंटेज में। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि PATB हम इसको कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमें कैसे मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि नेट सेल्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि अदर इनकम, तो हमें मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, उसमें से माइनस करेंगे COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब सभी तरह के एक्सपेंस एंड लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑल्सो इनकम टैक्स, ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा PAT यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारी टाइप बी यानी कि सेकंड टाइप, जो कि है लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर की दो मेथड आएगी, और इस दोनों मेथड के अंदर जो आंसर आएगा वो प्रोपोर्शन में लिखा जाएगा। मतलब अगर हमारा आंसर आता है तो 2 तो 2:1, या 3 आया तो 3:1, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे ZEM1 लगाना होगा। और यहां पे ये लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो है, मतलब यहां पे हमारी नेक्स्ट मेथड होगी करंट रेशियो। तो करंट रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब क्वेश्चन ये रहेगा कि करंट असेट के अंदर कौन कौन सी असेट कवर होगी और करंट लायबिलिटीज में। तो देखो, करंट एसेट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट, डेटर्स After deducting bad debt reserve, मतलब आपको BDR दिया हो एग्जाम्पल में, तो डेटर्स में से वो अमाउंट माइनस कर देने के बाद जो अमाउंट बचे डेटर की वो कंसिडर करनी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक, कैश बैलेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस यानी कि प्री पेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होगा दोस्तों, अक्रूड इनकम। तो ये सारी चीजें करंट असेट में आएगी। तो करंट लायबिलिटीज में क्या कवर होता है, तो करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम, क्रेडिटर्स एंड अनकॉल्ड डिविडेंड। ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी में जाती है। तो इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी हो करंट असेट में या करंट लायबिलिटी में, उसका हम लोग टोटल करेंगे और फिर मेन फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे, टोटल करंट असेट अपॉन टोटल करंट लायबिलिटी, तो हमें मिल जाएगा करंट रेशियो। आपको कोई बार एग्जाम्पल के अंदर इसके साथ साथ ही वर्किंग कैपिटल भी पूछी हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है टोटल करंट असेट, जो कि हमने यहां पे ढूंढ ली, माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करने से हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारी नेक्स्ट मेथड है दोस्तों लिक्विड रेशियो, और ये तो बहुत सिंपल है। पहले तो ये लिक्विड रेशियो का भी आंसर जो है वो प्रोपोर्शन में आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम लगेंगे ⅓। और यहां पे हमारी मेन फॉर्मूला है लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो, करंट लायबिलिटी तो हमने अभी आगे करंट रेशियो के अंदर भी डिस्कस कर ली थी, यहां पे सिर्फ यही चेंज हो रहा है, लिक्विड असेट हो रही है। तो लिक्विड असेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, तो ये याद रखना भी बहुत सिंपल है दोस्तों, लिक्विड असेट इंक्लूड्स ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग दो चीजें, कौन कौन सी, स्टॉक
एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीजें करंट असेट में से हम लोग निकाल दे तो बाकी की जितनी भी करंट असेट बची वो सारी की सारी लिक्विड असेट कहलाती है। तो उन सबका टोटल ये हो जाएगा लिक्विड असेट का डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जो भी आंसर हमें मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे लिक्विड रेशियो। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप सी जो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो, और यहां पर भी आंसर दोस्तों आएगा प्रपोर्शन में, यानी कि इस टू वन करके। यहां पे हमारी पहली मेथड आएगी डेट टू इक्विटी रेशियो। अब यहां पे नाम से ही हमें फॉर्मूला पता चल जाएगी, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, बस इतनी ही फॉर्मूला है। अब यहां पे ये जो बाजू में है वो आपकी जानकारी के लिए है कि डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या तो नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड। अब ये दोनों चीजें जो हमने कंपनी फाइनल अकाउंट स्टडी किया था उसके अंदर कवर हो गया है। तो भी फिर से यहां पे हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये कवर होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। जबकि दूसरा पार्ट है इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होगी, तो इक्विटी के अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका टोटल लगाएंगे हम लोग यहां पे इक्विटी के लिए, और इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका टोटल हम लोग लिखेंगे डेट में, और अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, और जो आंसर आएगा उसके पीछे इज टू वन। क्लियर? देन सॉल्वेंसी रेशियो में ही हमारी नेक्स्ट मेथड जो है दोस्तों वो है टोटल असेट टू डेट रेशियो। अब यहां पर भी नाम से ही फॉर्मूला पता चल जाएगी, टोटल असेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट अपॉन डेट। अब देखो दोस्तों, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर क्या चीजें कवर होती है वो तो हमने अभी यहां पर कवर कर दिया। न्यू चीज है यहां पे टोटल असेट, तो ये तो बहुत सिंपल है, टोटल असेट का मतलब क्या, सारी असेट्स, बट यहां पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा किसको, अदर नॉन करंट असेट को। अदर नॉन करंट असेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो सब, तो उसको अगर हम निकाल दे तो बाकी की सारी असेट यानी कि हमारी नॉन करंट असेट हो जिसको कि हम लोग फिक्स असेट या लॉन्ग टर्म असेट कहते हैं, प्लस करंट असेट, ये सब का टोटल ये हो जाएगा हमारा टोटल असेट। तो मेन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे टोटल असेट अपॉन डेट, तो जो आंसर मिलेगा उसके पीछे हम लगाएंगे इज टू वन, ये हो जाएगा हमारा टोटल असेट टू डेट रेशियो। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो में ही हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसकी मेन फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको के ईबीआईटी भी कहा जाता है। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, या तो हम लोग इसको पीबीआईटी भी कह सकते हैं। पीबीआईटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देखो दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी, ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेट होगा ना तो उसमें तो दिया होगा कि 12% डिबेंचर, 10% बैंक लोन और अमाउंट दी होगी, तो जो भी अमाउंट होगी उसके 12% या 10% करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट का जो भी टोटल हो वो हम यहाँ पे डिनोमिनेशन में लिख देंगे, और उसके साथ साथ हमें चाहिए ईबीआईटी। तो आपको एग्जाम्पल में अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको कि हम लोग पीएटी भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा और टैक्स की इंफॉर्मेशन होगी, और साथ में इंटरेस्ट तो हमने यहाँ पे ढूंढा ही होगा, तो हमें यहाँ पे रिवर्स करना होगा, और वो क्या, तो ये ईबीआईटी के लिए जो ईएटी है यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर ये टैक्स और इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ईबीआईटी होता है उसमें से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमें पीएटी मिलता है। तो अब हमें पीएटी के अंदर ये टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी, और उसके डिनोमिनेशन में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर? देन सॉल्वेंसी रेशियो में ही हमारी नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो की फोर्थ मेथड है, और ये प्रोप्राइटरी रेशियो की मेन फॉर्मूला है दोस्तों, ओनर्स फंड अपॉन टोटल असेट।
अब ओनर्स ऑफ फंड का मतलब एक्विटी, उसके अंदर क्या कवर होता है वो ऑलरेडी हमने आगे कवर कर लिया है। तो शेयर होल्डर्स ऑफ फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हमारे लिए यहां पे देखना है टोटल असेट, तो टोटल असेट भी हमने आगे देख ली थी, तो यहां पे आपको अलग अलग तरह से टोटल असेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पहले तो याद रखना कि टोटल असेट इंक्लूड्स ऑल दी असेट्स एक्सेप्ट अदर नॉन करंट असेट। इसके अलावा आपको एग्जांपल में नॉन करंट असेट और करंट असेट सेपरेटली दिया हो तो दोनों का टोटल नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट करने से भी आपको यहां पे टोटल असेट मिल सकती है। या तो फिर अगर आपको एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है पर आपको इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड की इंफॉर्मेशन दी है और टोटल लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी ये सब की इंफॉर्मेशन दी हो तो यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब ये नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का टोटल करेंगे तो वही आंसर हमारा असेट का आंसर होता है। तो इस तरह से भी हमें टोटल असेट की अमाउंट मिल सकती है और फिर उसको हम लोग यहां पे मेन फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कोई प्रोफेशनल एक्सलेंट करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर आप एक बढ़िया सा प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं जिसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और सोसाइटी के अंदर स्टेटस बहुत बढ़िया सा है। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सीएस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो आप हमारे यहां पे एडमिशन भी अपना बुक करवा सकते हैं, जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे दी बेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और अपनी प्रोफेशनल करियर की लाइफ बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। इसके बाद हमारी जो टाइप डी है दोस्तों वो है एफिशिएंसी और यहां पे एक्टिविटी रेशियो। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आता है टाइम्स में, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे लिखना पड़ेगा हमें टाइम्स, जिसमें सबसे पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखो दोस्तों सीओजीएस कैसे मिल सकता है, ये हमने मेथड वन में ही स्टडी किया था। सीओजीएस इज इक्वल टू मेन फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको एग्जाम्पल के अंदर यहां पे सेल्स और जीपी दे दिया है तो सेल्स माइनस जीपी करने से भी आपको सीओजीएस मिल सकता है। यहां पे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। तो यहां पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू करने से आपको मिल जाएगा एवरेज स्टॉक और फिर ये फॉर्मूला में हम आंसर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा उसके पीछे हम लोग लगाएंगे टाइम्स, तो वो हो जाएगा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर। इसके बाद एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो में जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की मेन फॉर्मूला है सेल्स और सीओजीएस। देखो दोनों नहीं लगाने हैं, सेल्स या तो सीओजीएस, दोनों में से कोई एक, और यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है दोस्तों सेल्स को, मतलब सेल्स की अमाउंट दी है या तो सेल्स की अमाउंट हम लोग ढूंढ सकते हैं, तो फॉर्मूला लगानी है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और अगर सेल्स की इंफॉर्मेशन ना हो और सीओजीएस की इंफॉर्मेशन हो उस केस में हमें फॉर्मूला लगानी होगी सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है ये हम लोगों ने करंट रेशियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये सारी चीजें यहां पे करंट असेट में और ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होती है जो ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो ये फॉर्मूला मेन क्या होगी, सेल्स और सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम लोग लगाएंगे टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पे डेटर टर्नओवर रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या है, टोटल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फिर से क्या कहा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
टोटल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब पहले तो क्रेडिट सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, तो क्रेडिट सेल्स अगर एग्जांपल में डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट अमाउंट यूज करेंगे, या तो फिर आपको टोटल सेल्स और कैश सेल्स की इंफॉर्मेशन दी हो तो टोटल नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी क्रेडिट सेल्स की। अब इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो दोस्तों पहले तो ध्यान रखना कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें कवर होती है, एक होते हैं डेटर्स और दूसरे होते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टू। अब यहां पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में अगेन दो चीजें आती है, मतलब हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, यानी कि हो जाएगा हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। तो अगर एग्जांपल के अंदर ये चार या ये चार में से जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब यहां पे हमें ऊपर टोटल करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और फिर मेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टोटल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि टाइम्स में आता है। अब यहां पे आपको एग्जांपल में इसके साथ साथ ही पूछा हो सकता है कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड तीन टाइप के हो सकते हैं, अगर मंथ में कहा है, वीक्स में कहा है, या डेज में कहा है। तो अगर मंथ में कहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, जो कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ढूंढ चुके हैं। अब यहां पे 12 क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। सिमिलरली अगर कलेक्शन पीरियड वीक्स में है तो 52 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, क्योंकि एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। एंड डेज में पूछा है तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर। अगर आपको एग्जांपल के अंदर स्पेसिफिक कह दिया है कि आपको यहां पे डेज 360 कंसीडर करना है तो 360 अपॉन डेटर्स टर्नओवर लिखना पड़ेगा। क्लियर। और अब दोस्तों हमारी आखिरी मेथड जो कि है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ काफी मिलती जुलती है। और यहां पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की मेन फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। अब यहां पे सेल्स की जगह पे परचेज है तो क्रेडिट परचेज कैसे मिलेगा, तो टोटल नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न करने के बाद वाली अमाउंट माइनस कैश परचेज, तो हमें मिलेगा क्रेडिट परचेज। अब यहां पे ट्रेड पेएबल में भी दो चीजें कवर होगी, एक आएंगे हमारे क्रेडिटर्स और दूसरे होंगे बिल्स पेएबल। और एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब क्या, ओपनिंग ट्रेड पेएबल यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल यानी कि क्लोजिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय टू, तो हमें मिलेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल। तो यहां पे हम लोग मेन फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि टाइम्स में आएगा। इसके साथ साथ आपको एग्जांपल के अंदर पेमेंट पीरियड भी पूछा हो सकता है, जैसे डेटर्स रेशियो के अंदर कलेक्शन पीरियड था, यहां पे हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है तो पेमेंट पीरियड मतलब कितने टाइम में हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो वो भी तीन तरह के हो सकते हैं। पहला मंथ में, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगी 12 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। वीक्स में पूछा है तो 52 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, और अगर डेज में पूछा है तो 365 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। और ये 365 की जगह पे और कोई डेज स्पेसिफिक एग्जांपल में मेंशन किए हैं तो वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। क्लियर दोस्तों। तो यहां पे इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके साथ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, एंड आई होप कि ये चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, अपने साइड से अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत हो कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सास स्मार्ट स्टडीज और उसकी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है या आपको कोई भी डर है कि सर अभी तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे बहुत ही लो फीस पे मतलब लोवेस्ट ऑफ द लोएस्ट फीस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक के लिए एक्सीलेंट हाईटेक कॉन्सेप्चुअल स्टडी वीडियोस है जो कि पर्सनलाइज्ड लेवल पे बनाए गए हैं। मतलब अगर स्मार्ट स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है, सभी को उसमें से टैरिफिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, और उसका यूज करके आप अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर
तीनों ही टैरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको पास्ट बोर्ड के पेपर्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, मैराथन रिवीजन सेशंस मिलेंगे, इसके साथ साथ अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट तुरंत मिल जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हमारी इस एप्लीकेशन पे है। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका आज ही बेनिफिट लीजिए, और इसी तरह से आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।